बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर आए हुए हैं और खाना भी साथ हम लाए थे। कल मैंने बनाई थी बिरयानी, काफ़ी सारी बना ली थी क्योंकि आज संडे का दिन है। तो बच्चे कहते थे कि हमने बाहर से खाना नहीं खाना, इस दफ़ा घर पर ही बनाओ, तो वहीं बाहर जा कर खाएँगे। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं फ्रेयर हॉल में, यहाँ पर बैठकर खाना खाकर हम कहीं और जाएंगे। अभी मोहम्मद अहमद हैं दोनों, मोहम्मद हमजा है, ये है आमना, इसके पापा नहीं आएंगे सामने, है ना जी? बोले जी बोले, आप सामने नहीं आएंगे ना? अच्छा, खाना खा के कहाँ जाएंगे? सीवियो। अच्छा, फिर अभी खाना खा के ना हम निकलते हैं, सीवियो चलूँगी, फिर आपको वहाँ से मैं दिखाऊँगी क्या ना? अभी शाम तो हो चुकी है ना, शाम का नज़ारा। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद ने गर्मियों के कपड़े पहन लिए और अभी सब ने गर्मियों के पहन लिए क्योंकि कराची में आज इतनी गर्मी हो रही है। साथ में मैं इनके पे रामपर और कैप्स वगैरह लेकर आई हूँ, अगर ठंड हो गई ना शाम में तो फिर इनको पहनाऊँगी मैं। अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जब सूरज ग़ुरूब होगा तो तब ठंड शुरू हो जाएगी। फिर बच्चों के मैं गर्म कपड़े लेकर आई हूँ क्योंकि पहले इनको मैं जब सीवियो लेके गई थी ना सर्दियों में, ये बीमार हो गए थे दोनों, तो अभी मैं इसी वजह से कपड़े भी लेकर आई हूँ गर्म, इनको पहना लूँगी, यहीं से पहना कर ले जाऊँगी, है ना? सर्दी ना लग जाए इनको। मगर जब हम घर से निकले ना उस वक्त बहुत गर्मी थी घर पर, सारे पंखे हमारे चल रहे थे, तो मैंने कहा जब इनको फिर घर पर गर्म कपड़े पहनाती ना रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ना इसलिए। और मैंने भी ये वाले पहन लिए गर्मियों के लॉन के कपड़े, और आमना ने भी कॉटन के पहने हैं, हमजा ने अंदर टी शर्ट पहनी है, ऊपर ऐसे ही ये पहन ली है। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ही आप ऊपर पहन लो, मैंने कहा हवा होती है ना बाइक पे तो इसको भी ठंड ना लग जाए इसलिए। मिट्टी उड़ के मुंह में डल रही है यहाँ से, देखो रेत। मैंने ग्लासेस भी लगाए हैं फिर भी सारे कपड़े गंदे कर दिए आपने ना। मिट्टी उड़ा,
कपड़े और ऊपर कर लो मोहम्मद, कपड़े और ऊपर कर लो अंकल, मिट्टी नहीं उड़ाओ, सबके मुंह में पड़ रही है। ऊंट भी चल रहे हैं देखो, वो सामने गाड़ियां भी हैं। एक दफा मैं और आमना ऊंट पे बैठे थे, आमना पता है गर्मी तो कितना लगा कितना है, थोड़ा सा ऊंट आगे चला मैं और हमारी चीखे शुरू, फिर हम लोग उतर गए। टीवी पे रश बहुत है, वो देखो वो सारा रश, आज दिन भी संडे गए ना, बहुत रश है इसलिए, बट ट्रैफिक का भी है। हाँ वो दूर तक लोग, और थोड़ा और आगे जाए ना उधर ज़्यादा होंगे ना, वहाँ से ना नीचे वहाँ की रेत जो है ना गीली होती है, ठंडी है वो, यहाँ पे ना रेत कम पड़ रही है। हाँ वहाँ पे गीली होती है रेत, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मगरिब हो चुकी है ना, अंधेरा भी होने वाला है और बच्चे हैं ना हमारे साथ छोटे, तो फिर उनको ठंड ना लग जाए ये भी खतरा है। देखो मोहम्मद हमजा को देखो, हमजा को देखो, वो देखो उसने बीच में लगा दिए चलांग, ये पानी भी खड़ा है बीच में देखो, ये पानी पानी यहाँ तक आया होगा, वहाँ सीढ़ियों पर आया होगा ना, और ये ना कैंटीन है ये बंद हो गई है, देसी ढाबा इस तरह के बहुत हैं आगे तक पूरा बनी है, लेकिन ये बंद हुई है, कोई मसला होगा इसलिए। वो गाड़ी भी चल रही है अभी, मोहम्मद हमजा जिद करेगा, बोलेगा मुझे गाड़ी में बैठाओ। लोग यहाँ दीवार पर बैठ गए, नीचे उतरने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ठंड ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, फिर पाँव वगैरह हमें धोने पड़ेंगे, फिर और ठंड लगेगी, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं उतरी। गर्मी हो तो और बात है, चले जाएँ फिर कपड़े गीले हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी तो सर्दी शुरू हो चुकी है, दिन को अच्छी गर्मी हो रही थी और ये रश, इतना रश लगा जिसका कोई हिसाब नहीं, पार्किंग एरिया फुल भरा हुआ है, लेकिन आगे सी वी ओ पे ना बहुत बड़ी जगह है तो इसलिए लोग इधर उधर हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। साफ लगाना हो तो पार्किंग एरिया से लगाना चाहिए क्योंकि बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और इधर भी पार्किंग हो गया। हाँ लाइटें जल चुकी हैं ना देखो, अच्छा यहाँ पहले लाइटें नहीं होती थी ना, पहले जब आते थे तो, हाँ ये किसी के घर है भी नहीं, तो सी वी ओ के सामने सुबह सुबह उठ के ना इतना अच्छा नज़ारा होता होगा, देखते होंगे लोग है ना ये घर बन, लेकिन घर यहाँ पर ख़राब हो जाता है, नमकीन हवा नमकीन पानी होता है तो घर लोग बनाते हैं 6 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं उनके। बहुत ठंड लग रही है और मज़ा भी नहीं आ रहा, आगे नहीं जाने दे रहे हो तो, हाँ हाँ मट्टी बहुत उड़ी, इतनी तेज़ हवा है ना, ये कपड़ों से पता चल रहा होगा, पीछे वो कपड़े उड़ रहे नहीं उड़ रहे, देखना गिरना नहीं, इतनी ठंडी हवा है। अहमद को कैब पे नानी है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, कहीं पार्क में जाकर बैठेंगे, वहीं पर बच्चे खेल लेंगे, यहाँ पर तो खेलने की जगह नहीं है क्योंकि रेत ही रेत है, कपड़े गंदे कर तो लिए हैं मोहम्मद हमजा ने, लेकिन हम तो नहीं नीचे उतर सकते, कहीं और जाकर पे आप पार्क वगैरह में बैठते हैं और वहाँ पर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है, लेकिन ये है वक्त और ये है सीढ़ियों का नज़ारा, और मैं हूँ दीवार पर खड़ी और बना रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो इतनी मेहनत से ये देख लें, अभी मेरा बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा, हमजा तो नज़र नहीं आ रहा, उसको बुलाते हैं फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। अभी हम सी वी ओ से होकर आए, वहाँ पर सर्दी लग रही थी बहुत, तो हम लोग निकल आए वहाँ से
और ये थोड़ा आगे आए हैं सी वीओ पे, ये है चंकी मंकी, यहाँ पर झूले वगैरह आए हैं अंदर बच्चों के खेलने के। तो मोहम्मद हमजा कह रहा था अभी हम गुजर ही रहे थे यहाँ से, कहता है यहाँ पे रुको मुझे अंदर जाना है। तो उसको भी याद है, कहता है जब मैं 5 साल का था ना यहाँ पर आया था अभी, फिर मुझे लेकर चलो। मैंने कहा चलो सही है चलते हैं। तो वहाँ पर भी ना थोड़ा परेशान हो गए थे, एक लड़का था ना पठान, तो वो बोल रहा था, पठान भाई था, वो कह रहा था मेरा बच्चा गुम हो गया है ना, आगे चला गया है। तो हम 2 घंटे से तलाश कर रहे हैं तो वो हमें मिला नहीं है। बस थोड़ा मोहम्मद हमजा फिर वो खड़ा हुआ है अभी तक आए नहीं, वो रहा कहाँ पे खड़ा है, ये आ रहा कहाँ, अच्छा ये रहा, आप चलो ना अंदर बच्चों को ले जाओ। अच्छा तो मैं भी अभी चलती हूँ अंदर, दूसरी तरफ से मेरे ख्याल में सी वी ओ का भी नज़ारा आता है, वो भी आपको करवाती हूँ। तो वो बता रही थी आपसे, आपको बात बता रही थी, उसका ना बच्चा 2 घंटे से कह रहा था आगे भाग गया है कहीं। तो आगे ऐसा होता है पानी में से रात को ना आकर रेत निकाल लेते हैं, तो बच्चे नहाते नहाते आगे जाते हैं, डूब भी जाते हैं। तो मोहम्मद हमजा जब ऐसे भागता है ना, मैं भी बहुत डर जाती हूँ और सहम जाती हूँ, क्योंकि कई बार ना यहाँ पर हादसा हो चुके हैं आँखों के सामने। यहाँ पर हम मौजूद थे तो बहुत से मसले मसाए यहाँ पर हुए हैं, बच्चे आगे जाते हैं डूब जाते हैं, बड़े जाते हैं वो भी डूब जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर में से ना रेत निकाली ही होती है उन्होंने। तो आगे जाते हैं जाते हैं जाते हैं, वो फिर पानी गहरा होता है वहाँ से, फिर वो डूब जाते हैं। कभी उसने मुझे बताया, हम लोग घबरा गए। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से मैं तो नहीं बैठ रही अभी यहाँ पर, तो बहुत परेशान हो रहा था। तो कहते हैं सिक्योरिटी वगैरह भी होती है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था जो वो उस बच्चे को तलाश करते या उनके वालदैन के हवाले करते ढूंढ कर। तो हम वहाँ से आ गए, अभी यहाँ पर देखते हैं कितनी देर बच्चे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर झूले बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी मैं चलती हूँ अंदर और फिर आपको अंदर चल कर दिखा। माशाल्लाह 3 मेरे बेटे हो गए तो नाम भूल जाती हूँ, मोहम्मद को हमजा बोल देती हूँ, हमजा को मोहम्मद बोल देती हूँ। एमन अमन ये लो, थैंक यू बोलो, वो साथ में भी छोटा सा बेबी बैठा है, क्यूट सा प्यारा सा, वो उधर देखने लग गया है।